हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन, जो कि हमारा 10वां चैप्टर है। हालांकि बता चुका हूं कि लेसन तो पूरा हो चुका है और आजकल हम इसके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है पीछे वाले बुक में दिए हुए वो प्रश्न हल कर रहे हैं। और हम प्रश्न की सीरीज में और एक प्रश्न हल कर रहे थे जिसमें हमें आईयूपीएसी नाम भी लिखना था और ये पोजीशन भी बतानी थी कि वो एल्किल हैलाइड है या एरिल हैलाइड है या वाइनिल हैलाइड है या विनाइलिक हैलाइड है। तो ऐसा प्रश्न हमने लिखा और हल भी किया और इसका शेष भाग कुछ और है वो हम हल करते हैं। तो यहाँ ये प्रश्न दिया हुआ है कि 8 नंबर भाग में CH3CH डबल बॉन्ड में C, फिर ब्रैकेट में लिखा है CL, फिर बाहर लिखा है CH2, फिर आगे लिखा है CH और फिर कोष्ठक में लिखा है CH2 की होल ट्वाइस। तो कार्बन के बॉन्ड पूरे करने के लिए आप पहले इस संरचना को यहां बॉन्ड लगा करके लिख लीजिए ताकि आपसे गलती नहीं होगी। तो हम शुरू करते हैं और कार्बन के बीच बंध लगाते हैं। CH3 के साथ CH है तो मैं CH3 के साथ CH लिख देता हूं। फिर आगे डबल बॉन्ड है और अकेला कार्बन है तो मैं यही डबल बॉन्ड लगा देता हूं, ठीक है ना। नियम तो अब ये कहता है कि इस H को और आप ऊपर नीचे लिखो कहीं, यानी कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है ये नियमानुसार तो, लेकिन हम लिखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, केमिस्ट्री में ऐसा लिखा जाता है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग है कि ये बॉन्ड जो लगा है ये कार्बन कार्बन के मध्य है। आपको देखने में तो यूं लग रहा है जैसे H और कार्बन के बीच में, नहीं, ये कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे कर रहा है। तो वो तो अंडरस्टैंडिंग आपने ध्यान में रखना। फिर अकेले कार्बन के बाद कोष्ठक में Cl लिखा है तो ब्रैकेट में Cl लिखा है, इसका मतलब वो कार्बन के ब्रैकेट में लिखा है तो कार्बन पर लगा है ये Cl। तो मैं ऊपर नीचे कहीं से सीरीज से बाहर और Cl लगा दूंगा। Cl लगाने के बाद आगे CH2 और फिर आपके CH है तो CH2 और आगे CH है। अब उसके बाद में CH के बाहर ब्रैकेट में CH3 की ट्वाइस 2 बार दिया हुआ है, होल ट्वाइस है ना, तो 2 बार दिए, वो किसके बाहर, CH के बाहर दिया है। इसका मतलब ये दोनों बार CH पर लगा है तो CH पर एक तो यहां लगा देता हूं और एक यहां लगा देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि ये CH के ऊपर लगा है CH3 2 बार, तो 2 बार मैंने लगा दिया। अब ये अपना कार्बन का आप 4 बॉन्ड काउंट करोगे तो आपको 4-4 बॉन्ड हर जगह हर कार्बन में मिलेंगे। इसका मतलब अपनी संरचना सही है। तो ये डिफाइन कर लेने के बाद में अब हम इसका नामकरण करेंगे आईयूपीएसी पत्ती में। तो सबसे पहले हमें लंबी श्रृंखला का चयन करना पड़ेगा। तो लंबी श्रृंखला चूज करोगे तो ध्यान देना, हम लंबी श्रृंखला 1 और 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 कैसे भी चुन लो, इधर से यूं चुन लो या सीधी चुन लो, 6 कार्बन है तो फिर हम सीधी चुने ना, जब बराबर आ रहा है दोनों में तो 6 कार्बन वाली सीधी श्रृंखला चुन लेते हैं। हमने इस श्रृंखला का चुनाव कर दिया। अब हमें अंकन करना है, अंकन करूंगा तो ध्यान देना 2 प्रतिस्थापी समूह, एक क्लोरो और एक मेथिल। लेकिन यहां एक बात विशेष आपको ध्यान में रखनी है, जब आपको द्विबंध कहीं कार्बन श्रृंखला में नजर आए तो फिर हमेशा कम अंक द्विबंध को दिया जाता है। अरे जब कार्बन श्रृंखला में द्विबंध भी दिया हो और ये समूह भी दिए हो तो फिर हमें समूह को नहीं देखना है, फिर तो हमें द्विबंध डबल बॉन्ड को देखना है और डबल बॉन्ड को कम अंक देना है। तो इस साइड से आऊं तो 1 2 3 4, इस डबल बॉन्ड को 4 अंक मिल रहा है, इस साइड से आऊं तो 1 और 2 और 3, तो याद रखना 1 और 2 तो कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो 2 मिल रहा है, यहां पर डबल बॉन्ड को 2 अंक मिल रहा है, उस साइड से आऊं तो 1 2 3 4 डबल बॉन्ड को 4 अंक मिल रहा है, तो मुझे अंकन यहां से करना है, 1 नंबर कार्बन 2 नंबर कार्बन 3 4 5 और 6 नंबर। तो मैंने बता दिया जब कार्बन श्रृंखला में द्विबंध दिया हो तो आपको समूह नहीं देखने हैं, द्विबंध को कम अंक देकर के अंकन करना होता है। तो द्विबंध को हमने कम अंक दिया तो आप कहोगे इसमें द्विबंध को कितने अंक मिल रहे हैं, अरे द्विबंध 2 नंबर और 3 नंबर कार्बन के बीच में, द्विबंध कहां पर है, 2 नंबर और 3 नंबर के बीच में डबल बॉन्ड, तो आप कम की तरफ काउंट कर लोगे, कम तो 2 है तो 2 पर मानोगे उसे। जैसे मैं बोल दूं 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड हो तो बताओ आप किस साइड में काउंट करोगे, आप 4 की तरफ, यानी डबल बॉन्ड को कम अंक देते हैं, तो 4 और 5 के बीच होता तो
तो मैं चार नंबर की तरफ काउंट कर लेता। अब दो और तीन के बीच डबल बॉन्ड है तो मैं कम की तरफ अर्थात दो नंबर की तरफ काउंट कर लूंगा इसे, तो याद रखना। अब हम लिखेंगे नामकरण, तो नामकरण में पहले तो प्रतिस्थापी समूह उनका जिक्र किया जाता है, ये क्लोरो है। क्लोरो को आप जब अंग्रेजी में लिखोगे तो CHLORO क्लोरो, इसमें सी आ रहा है अल्फाबेटिक लिखते समय। ये मैथिल तो आप ME और THYL मैथिल, तो इसमें M आ रहा है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में तो C पहले आता है यानी क्लोरो पहले आ जाएगा। आप बोलोगे 3 chloro 5 methyl, क्या लिखोगे? यहां लिख देता हूं 3 chloro, उसके बाद में 5 methyl, 5 पर कौन है? मेथिल। 3 chloro 5 methyl, उसके बाद में कितने कार्बन है? आप कहोगे चुनी हुई श्रृंखला में 6 कार्बन है, तो हेक्स बोलोगे। हेक्सेन मत बोलना, एन नहीं आएगा, एन तो सिंगल बॉन्ड होता तो आता, अब तो यहां डबल बॉन्ड है तो इन आएगा, वो बाद में आएगा, तो हम यहां लिख देंगे नेक्स्ट पर हेक्स, ठीक है ना, इसके आगे, यानी 3 chloro 5 methyl हेक्स। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन बताएंगे, मैंने कहा ना डबल बॉन्ड दो और तीन के मध्य है तो दो की तरफ काउंट करेंगे। डबल बॉन्ड को इन कहते हैं, तो इन कितने नंबर पर है? इन तो दो नंबर पर है, दो नंबर पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को इन कहते हैं, तो हमने दो नंबर डबल बॉन्ड की बता दी 2E, तो हमारा नाम क्या हो गया? 3 chloro 5 methyl hex 2E, ये बन गया। अब हमें ये पहचानना है कि ये किस प्रकार का है, यानी वाइनिल है या फिर एलिल है या एलिलिक है या बेंजिलिक है। बेंजिलिक तो नहीं हो सकता, बेंजिन नहीं आ गया, बेंजिलिक तो नहीं है, क्योंकि यहां देखिए कार्बन श्रृंखला है, तो कम से कम इतना तो कंफर्म हो गया कि बेंजिलिक तो नहीं है, क्योंकि कार्बन आ रहे हैं और है कौन सा? एलिफेटिक। कौन सा है? एलिफेटिक। अब थोड़ा सा हैलोजन देखा जाता है सबसे पहले, जब आप डिफाइन करो ना कि इसकी पोजीशन बताओ कि ये क्या है, तो फिर आपको हैलोजन देखा जाता है। तो हैलोजन इस कार्बन पर जुड़ा है, तो मैं हैलोजन पर निगाह डालूंगा। हैलोजन देखिए द्विबंध वाले कार्बन पर जुड़ा है। मैं यूं बोलूं कि कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध है और उसी द्विबंध वाले कार्बन पर जुड़ा है, यानी इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इस कार्बन के बीच में भी डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड वाले कोई कार्बन पर हैलोजन जुड़ा है। कौन से पर? डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर। तो वो सारे याद रखना विनाइल होते हैं। कौन होते हैं? विनाइल कोई वाइनिल बोलते हैं, तो बोलिए विनाइल हैलाइड। ये कौन है? अरे विनाइल हैलाइड, ठीक है ना, ये विनाइल हैलाइड है। क्या पोजीशन होती है? इसे बोलते हैं वाइनिल, इसे वाइनिल बोलूंगा। आगे बात समझ, विनाइल भी इसे कहते हैं, वाइनिल हैलाइड भी इसे कहते हैं। क्या पोजीशन होती है? अगर आपको याद है परिभाषा आपने पीछे पढ़ी है, तो देखना जिसमें ये पोजीशन आ रही हो, जिसमें ये पोजीशन आ रही हो, कौन सी? कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध और उसी द्विबंध वाले कार्बन पर, चाहे इस साइड में चाहे इस साइड में हैलोजन जुड़ा हो, द्विबंध द्विबंध वाले किसी कार्बन पर हैलोजन जुड़ा, वो कौन होते हैं? वो वाइनिल होते हैं या विनाइल होते हैं। बात समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूं। तो ये वाइनिल हैलाइड है, या इसे बोल दीजिए कि ये विनाइल हैलाइड है। नेक्स्ट हम अगला ये 9 नंबर वाला है, इसे हल करते हैं। CH3CH मैं यहां लिख देता हूं, CH3CH 9 नंबर की बात कर रहा हूं, फिर डबल बॉन्ड के साथ CH, यहां डबल बॉन्ड लगा देता हूं CH, और डबल बॉन्ड CH के आगे अकेला C दिया है तो यहां अकेला C कार्बन लगा लेता हूं, फिर ब्रैकेट में BR लिखा है, तो आप ये BR इस कार्बन के ब्रैकेट में, अर्थात इस कार्बन पर लगा हुआ है, तो हमने BR लगा दिया। नेक्स्ट आगे CH3 की ट्वाइस दिया हुआ है, ये CH3 की ट्वाइस ब्रैकेट में दिया है, अर्थात इस कार्बन के ब्रैकेट में दोनों चीजें, तो इस कार्बन पर जुड़ेंगे, तो इस कार्बन पर एक तो CH3 इस साइड लगा देता हूं, एक CH3 इस साइड लगा देता हूं। अब आप देखोगे तो आपको हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे नजर आएंगे। इस कार्बन में देखिए एक ये रहा, 2 ये 3 और 1 H के साथ, यहां भी पूरे हो, कहीं काउंट कर लेना, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, अपनी संरचना बिल्कुल एक्यूरेट है। अब उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अब हम इसका नामकरण करते हैं। नामकरण करने के लिए आप जानते हो सबसे पहले लंबी श्रृंखला है वो चुनते हैं, तो लंबी कार्बन सीरीज आप चूज करोगे, तो मुझे तो ये वाली सीरीज नजर आ रही लंबी,
एक दो तीन चार पांच या फिर एक दो तीन चार पांच, ऐसे जाऊं तो भी पांच है, ऐसे सीधे में जाऊं तो भी पांच है, तो फिर हम सीधी सीरीज चुन लेते हैं ना, ये सीधी सीरीज हम यूं चुन लेते हैं। अब इस पर अंकन कर देंगे, अंकन करेंगे तो आप बोलोगे कि यहां ये ब्रह्म है, ये मैथिल है, तो इनको कम अंक देने, नहीं, पहले ये देखिए डबल बॉन्ड आया हुआ है, मैंने कहा था ना पीछे कि जब जब सीरीज में डबल बॉन्ड आ जाए तो फिर आपको डबल बॉन्ड को कम अंक देने, आप समूह को, प्रतिस्थापित समूह को भूल जाइए एक बार, उनको कम अंक नहीं देने, बल्कि डबल बॉन्ड को कम अंक देना है जब सीरीज में डबल बॉन्ड और समूह दोनों एक साथ दिए हों, तो फिर अब यहां डबल बॉन्ड भी है और प्रतिस्थापित समूह भी, तो डबल बॉन्ड को कम अंक दीजिए। तो अब मैं अंकन यहां से करूं तो एक और दो, देखिए डबल बॉन्ड को दो अंक मिल रहे हैं क्योंकि डबल बॉन्ड दो और तीन के बीच है, डबल बॉन्ड कहां आ रहा है, दो और तीन के बीच आ रहा है, तो मैंने कहा ना कम की तरफ काउंट करना है, तो डबल बॉन्ड को दो अंक मिल रहे हैं, इस साइड से हम काउंट करके लाते डबल बॉन्ड को बहुत अंक मिल जाते तो फिर ठीक नहीं रहता, डबल बॉन्ड को ज्यादा अंक नहीं देने, डबल बॉन्ड को सबसे कम अंक देने हैं। तो अब यहां देखिए ये ब्रह्म है, ये मैथिल है, हाँ जिक्र सबसे पहले लिखते समय प्रतिस्थापित समूह का करेंगे, अंकन तो डबल बॉन्ड को मतलब कम अंक देंगे, और नाम लिखते समय प्रतिस्थापित समूहों का नाम सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखा जाएगा, तो ये ब्रोमो है, ये मैथिल है, ब्रोमो पहले आता है, बी बी पहले आता है अल्फाबेटिक में, मैथिल एम बाद में आता है, आप बोलोगे फोर ब्रोमो फोर मैथिल, क्या बोलोगे, फोर ब्रोमो फोर मैथिल, फोर पर ही ब्रोमो है, फोर पर ही मैथिल है, आई ना बात समझ। उसके बाद में कार्बन बताओगे टोटल, आप कार्बन बोलोगे कि पांच कार्बन है, तो इसके आगे आप लिखोगे पेंट, ठीक है ना, पांच कार्बन को तो पेंट बोलते हैं, तो पेंट लिखोगे। उसके बाद में डबल बॉन्ड की पोजीशन बताओगे, डबल बॉन्ड कितने पर है, दो पर है, डैश लगाओगे वहां और लिखोगे टू और इन, ठीक है ना, तो इन को ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना, इन ऐसे लिखते, सिंगल बॉन्ड सिंगल एन भी आता है और डबल एन भी लगाते हैं, तो टू पर इन हो गया, फोर ब्रोमो फोर मैथिल पेंट टू इन, फोर ब्रोमो फोर मैथिल पांच कार्बन तो पेंट और डबल बॉन्ड टू पर, तो डबल बॉन्ड को मैं इन बोलूंगा और टू पर लगा दिया, ठीक है ना, तो इस प्रकार से नामकरण हो गया। अब ये डिसाइड करते हैं नामकरण की बात कि किस प्रकार की पोजिशन वाला और आपके यौगिक है, तो ध्यान देना हैलोजन को देखते हैं, देखिए निगाह डालिए, हैलोजन इस कार्बन पर जुड़ा है, इस कार्बन के आर बार देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको, इस कार्बन के बाहर और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, तो मैं यूं बोलूं कि जिस यौगिक में और द्विवी बंध वाले कार्बन के बाहर वाले कार्बन पर हैलोजन जुड़ा हो, इधर देखिए सारे, जैसे मैं यूं बोलूं समझाने के लिए, ठीक है ना, यूं ये वाली पोजिशन कि किसी यौगिक में ऐसी पोजिशन हो, अरे इनके बॉन्ड तो पूरे कर देंगे बाद में, बॉन्ड तो बाद में पूरे कर लेंगे, पहले पोजिशन समझा रहा हूं, देखिए कि जिस किसी यौगिक में द्विवी बंध वाले कार्बन के बाहर एक कार्बन और हो और उस कार्बन पर कोई हैलोजन जुड़ा हो, तो याद रखना उसे एलीलिक कहते हैं, क्या बोलते हैं उसे, एलीलिक। तो यहां देखिए बताइए मेरे को ये एलीलिक हैलाइड है या नहीं है, ये कन्फर्म एलीलिक हैलाइड है। आपने कैसे पता लगाया, कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध है उससे जस्ट अगले कार्बन पर हैलोजन जुड़ा हो, यानी लंबी कार्बन श्रृंखला में जब आपको कार्बन कार्बन का मध्य द्विबंध दिखाई दे और उससे जस्ट अगले कार्बन पर चाहे इस साइड में चाहे उस साइड में जस्ट अगले कार्बन पर हैलोजन लगा हुआ नजर आए, आप आंखें बंद करके बता देना कि यह एलिलिक हैलाइड है। दोबारा फिर सुन लेना, कोई कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध हो और उससे आर बार कोई ऐसा कार्बन हो जिस कार्बन पर हैलोजन जुड़ा हो, वो सारे एलिलिक हैलाइड होते हैं। हमारा इसी में दसवां प्रश्न है, पी लिखा है, पी मीन्स पैरा, जैसे ऑर्थो मेटा पैरा होते हैं ना, वो वाला पी है, और सीएल यानी क्लोरो पोजिशन है वो पैरा में है, क्लोरो की जो पोजिशन बेंजीन पर वो कहां है, पैरा स्थिति में है, और C6H4 ये बेंजीन वाले है, C6H4 क्या है, बेंजीन वाले। तो पहले मैं यूं करता हूं
बेंजीन वाले बनाता हूं C6H4 उसके पैरा पोजीशन में और आपके सीएल लगा देता हूं, तो समझाने के लिए मैं यू बना लेता हूं। ये बेंजीन वाले है और इस पर इस प्रकार से यू कर लेता हूं, यहां इसके सीएल लगा दूं, ठीक है ना। तो एक बात सुनना, यहां पी लिखा है बेंजीन वाले में, यानी सीएल क्लोरो पोजीशन आपके है वो पैरा स्थिति में है, तो पैरा स्थिति में जाहिर सी बात है पैरा में तो 180 डिग्री होता है आप जानते हो, तो फिर मुझे यहां कुछ जोड़ना पड़ेगा तब ये पैरा पोजिशन बनेगी। इस हिसाब से समझ रहे हो मेरी बात को ना, यानी बिल्कुल इसके 180 डिग्री में जोड़ूंगा तो ही पैरा पोजिशन पर आएगा, क्योंकि लिखा है पी, यहां पर पी लिखा है तो मतलब क्लोरो है वो पैरा पोजिशन पर जुड़ा है, तो फिर यहां जोड़ना पड़ेगा कुछ अन्य, कुछ अन्य क्या है वो देख लो CH2CH, तो यहां पर कुछ अन्य है वो है CH2 और CH, उसके बाद में CH के आगे ब्रैकेट में CH3 की ट्वाइस दो बार दिया है वो इसी के ऊपर है, एक बार यहां लगा देता हूं एक बार यहां लगा देता हूं, इसी के ऊपर लगा हुआ है, समझ गए ना। अब कार्बन के चार बॉन्ड पूरे हो गए हैं तो ये वाला यौगिक बन गया, इसको ऐसे बनाने संरचना बन गई। अब हम इसका नामकरण करते हैं, नामकरण करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात आप यहां याद रखिएगा, इस यौगिक में एरोमेटिक भी है और एलिफेटिक भी है, एलिफेटिक कार्बन और एरोमेटिक बेंजीन वाले, तो जब एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों नामकरण एक साथ आ जाए तो एरोमेटिक का तो हमेशा आईयूपीएससी पद्धति में नाम लिखा जाता है और एलिफेटिक का सामान्य पद्धति में लिखते हैं, ठीक है ना। हालांकि वो होता है आईयूपीएससी काउंटिंग में ही है, लेकिन इसका हम आईयूपीएससी में लिख दें और उसके अंदर इसका नाम ब्रैकेट में आता है सामान्य पद्धति में, ठीक है ना। तो अब ध्यान देना, बेंजीन वाले में और इन कार्बन पोजीशन की तुलना में जो कोई समूह लगा होता है वो हमेशा एक नंबर पर होता है, तो मैं बेंजीन वाले पर पहले काउंटिंग करता हूं, इसको भूल करके बेंजीन वाले पर काउंट करूं तो ये सीएल एक नंबर पर है, तो मैं सीएल एक नंबर और इस साइड से आऊं या इस साइड से एक ही बात है, दो नंबर तीन नंबर चार पांच और छह, ठीक है ना। क्लोरो एक नंबर पर है, क्लोरो बेंजीन वाले में क्लोरो एक नंबर पर है और बेंजीन वाले के चार नंबर पर क्या चीज है, चार नंबर पर कार्बन श्रृंखला है, यानी ये पूरा ग्रुप है। तो मैं बता चुका हूं कि इस बेंजीन वाले का नाम तो आईयूपीएससी पद्धति में होगा और बेंजीन वाले के साथ जुड़े हुए जो कार्बन है, कार्बन की कोई सीरीज बनती है उस सीरीज का नामकरण सामान्य पद्धति में होगा और वो कोष्ठक में लिखा जाएगा, क्योंकि एरोमेटिक और एलिफेटिक जब दो साथ साथ दिए होते हैं तो एरोमेटिक का नाम हम पहले लिखते हैं और आईयूपीएससी पद्धति में होता है, और जो कार्बन सीरीज बच जाती है उसका नाम उसके ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना है, तो एक नंबर पर कौन है, क्लोरो है, मैं यहां लिख रहा हूं वन क्लोरो, वन क्लोरो, क्योंकि एक पर क्लोरो है। अब एक पर क्लोरो है तो अब हम चार पर चलते हैं, चार पर क्या है तो मैं बोलूंगा फोर पर, इस प्रकार से पहले यू लिखूंगा फोर। अब ध्यान देना, ठीक है ना, आपने एरोमेटिक का नामकरण कर लिया, यहां पर चार नंबर पोजिशन भी आपने बता दी कि हम बेंजीन में एक से लेकर चार तक गए तो बेंजीन पर थी, चार नंबर पोजिशन बेंजीन पर तो है, तो बेंजीन वाले का मैंने नामकरण कर दिया कि वन क्लोरो है और फोर पर कुछ चीज लगी है, वो फोर पर आगे जोड़ेंगे हम यहां। लेकिन याद रखना ये कार्बन श्रृंखला आ गई, अब इसका नाम ब्रैकेट में लिखा जाएगा। मैंने कहा था ना अभी कुछ देर पहले कि जब बेंजीन, यानी मैं यूं बोलूंगा एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों साथ साथ दियो तो एरोमेटिक का नाम तो आईयूपीएससी पद्धति में होता है, एलिफेटिक का नाम उसके ब्रैकेट में सामान्य पद्धति में लिखा जाता है और पूरा नाम होता है आईयूपीएससी के काउंटिंग के अनुसार ही है। तो अब आप कहोगे कि चार पर कुछ जुड़ा है, यहां पर लंबा जोड़ा चार पर कुछ जुड़ा है तो चार वाले को आप अलग से पहले काउंट कर लीजिए, ठीक है ना। चार पर क्या जुड़ा है, एक दो तीन कार्बन और चार कार्बन का कुछ लगा हुआ है, ठीक है ना। तो मैं इसे यूं करता हूं, इसको भी समझाने के लिए अंकन करता हूं, इस कार्बन को जहां जुड़ा है इसको एक अंक दे देता हूं, एक दो और तीन। जो कार्बन बेंजीन वाले में जुड़ा है उसे मैं एक अंक दे देता हूं, ठीक है ना। तो आप ध्यान देना, यहां देखो इस प्रकार से तुम्हें यूं समझाऊं मैं, यहां ये टू पर और मैथिल हो गई, कितने पर, जो आपकी बेंजीन वाले के अलावा शेष बच गई उसमें टू पर मैथिल हो गई, मैं लिखूंगा टू मेथिल, टू मेथिल। अब इसे क्या बोलोगे, एक दो तीन, प्रोपेन मत बोलना, प्रोपिल आएगा, क्योंकि मैंने कहा कि सामान्य पद्धति में आता है ये नाम, तो प्रोपिल तो एल्किल का नाम है,
यानी एथिल मेथिल प्रोपिल ये सारे एल्किल होते हैं, और आप आईयूपीएस पद्धति में लिखोगे तो फिर तो एल्केन आएगा, एथेन मेथेन प्रोपेन आएगा, लेकिन नहीं ब्रैकेट में जो नाम आता है तो प्रतिस्थापित समूह का नाम तो वैसे ही एथिल मेथिल प्रोपिल लिख देते हैं, और जो पूरा ग्रुप बनता है कार्बन का उस कार्बन ग्रुप का नाम भी एथिल मेथिल प्रोपिल लिखा जाता है। तो टू पर मेथिल, मैंने बता दिया टू पर मेथिल है। अब ये एक दो तीन कार्बन आप बोलोगे प्रोपिल, क्या बोलोगे यहां करता हूं ये ब्रैकेट में ही है प्रोपिल, ठीक है ना प्रोपिल प्रोपिल, अब ब्रैकेट बंद कर दोगे तो टू मेथिल प्रोपिल ब्रैकेट के अंदर है। अब पूरा हुआ आप होगे बेंजीन का कोई जिक्र ही नहीं किया, बेंजीन पर क्लोरो था पहले लिख लिया, बेंजीन पर एलिफेटिक था वो बाद में आ गया, अब बेंजीन का लास्ट में जिक्र आएगा तो आप आगे लिख देंगे बेंजीन, आई ना बात समझ में। इस प्रकार से तो वन पर क्लोरो है, फिर इस बेंजीन वाले में चार नंबर पर क्या है, चार नंबर में कोई कार्बन सीरीज जुड़ी है, उस सीरीज में टू पर मैथिल है और फिर वो प्रोपिल है, टू मैथिल प्रोपिल, और ये सारा कुछ बेंजीन पर है, तो आगे लिख दो बेंजीन। इस प्रकार से अब एक ध्यान देना, आपसे पूछे कि ये किस श्रेणी में आता है, तो श्रेणी में आप कहोगे जी हमें तो पहचानना नहीं आता, अरे हेलोजन पर निगाह डालिए, हेलोजन कहां लगा हुआ है, हेलोजन देखिए बेंजीन बल्ले पर लगा हुआ है ना बेंजीन बल्ले पर, लेकिन बेंजीन बल्ले में कार्बन की पोजिशन देखिए, बॉन्ड की पोजिशन देखिए, बॉन्ड की पोजिशन देखोगे आपको पता चल जाएगा, यहां देखिए यहां कार्बन है यहां कार्बन है, यहां एच है यहां एच है, एच तो सारे कार्बन आप जानते हो बेंजीन बल्ले में, यहां एच तो है पता है आपको, तो यहां भी तो सी एच है, यहां भी आपके सी है, यहां सी एच है यहां सी है, और बीच में डबल बॉन्ड है कि नहीं, तो बताना मेरे को ये पोजिशन नहीं है क्या, यहां एच कर देता हूं चलो, और यहां सी है, देखिए यहां सी एच यहां फिर डबल बॉन्ड तो सी एच डबल बॉन्ड, और आगे यहां भी सी एच कर देता हूं सी एच, और उस पर हेलोजन, तो बताना कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध हो और उस द्विबंध वाले कार्बन पर हेलोजन, अरे कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध है और द्विबंध वाले किसी हेलो कार्बन पर हेलोजन जुड़ा है, द्विबंध वाले चाहे तो इस कार्बन पर जोड़ दूं चाहे द्विबंध वाले इस कार्बन पर जोड़ दूं, वो पोजीशन क्या कहलाती है, अगर आपने पीछे परिभाषाएं पढ़ी है तो वाइनिल कहलाती है, क्या पोजीशन कहलाती है वाइनिल कहलाती है, इसे आप विनाइल बोलते हो, पीछे वाली परिभाषाएं उनको देखना, कंफ्यूज मत होना, यहां एलिलिक नहीं है, एलिलिक मैंने बताया था, अभी एलिलिक कब होता है, कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध हो फिर उसके बाहर एक कार्बन और हो उस बाहर वाले कार्बन पर हेलोजन जुड़ा हो तो वो होती है एलिलिक, और कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध है और उसी कार्बनों में से किसी एक पर हेलोजन जुड़ा हो तो फिर उसे बोलते हैं वाइनिल या विनाइल। इसमें हमारा अगला प्रश्न है एम क्लोरो यानी मेटा पर क्लोरो जुड़ा हुआ है, मेटा पोजिशन पर क्लोरो किसमें बेंजीन में, और बाहर CH2 है, तो मैं यू लिख लेता हूं पहले आपको समझाने के लिए, जैसे ये मैंने बेंजीन बना ली ठीक है ना, ये देखो यहां पर C6H4 है तो ये बेंजीन है, मैं इसको पूर्ण कर देता हूं इस प्रकार से, और बेंजीन के ऊपर क्या लगा CH2 Cl और Cl कहां पर है मेटा पोजिशन पर ठीक है ना, तो पहले मेटा पोजिशन में एक मिनट ये देखो इसके सापेक्ष देखो तो ऑर्थो और मेटा, मैं यहां कर लेता हूं यहां, अब आपको समझ आ जाएगा ठीक है ना। अब देखिए अगर मैं यहां कुछ जोड़ू ऊपर यहां इस बॉन्ड पर कुछ जोड़ू तो ये वाली ऑर्थो ये वाली मेटा, बताओ मेटा पोजिशन हुई कि नहीं, और मेटा पर क्या लिखा है मेटा पर ClCH2 तो मेटा पर ClCH2 आ गया आपने, अब यहां जोड़ना पड़ेगा तो ये मेटा पोजिशन बन जाएगी, तो यहां CH2 है ऊपर तो मैं लिखता हूं CH2, फिर अकेला कार्बन तो अकेला कार्बन लिख देता हूं, तो यहां थराइस है प्रश्न में थराइस है, तो इस प्रकार से यहां इस कार्बन पर तीन CH3 आ जाएंगे ठीक है ना, तीन CH3 इस प्रकार से बन गया, अपनी संरचना तो पूर्ण हो गई, चार बॉन्ड कार्बन की पूरे हो गई तो फिर संरचना सही है। अब इसमें थोड़ा हम नामकरण करें तो ध्यान देना ये बेंजीन वाले है, बता चुका हूं बेंजीन वाले और कार्बन श्रृंखला जब दोनों साथ में दी हुई हो तो बेंजीन वाले की पोजीशन का नाम पहले आता है, एरोमेटिक का नाम पहले देखते हैं, तो एरोमेटिक में जो कुछ लगा होता है वही नंबर पर, तो यहां ये प्रतिस्थापित समूह के रूप में आता है, इसे एक मानूंगा, एक नंबर दो नंबर और ये तीन नंबर, तीन नंबर पर बेंजीन में कार्बन श्रृंखला शुरू हो जाती है, तो यहां इससे क्या बोलूंगा याद रखना ये क्लोरो है
और यहां एक कार्बन वाला है तो इसे क्लोरोमेथिल पूरा बोला जाएगा। एक नंबर पर कौन सा समूह जुड़ा है? क्लोरोमेथिल समूह जुड़ा है पूरा एक, तो मैं यहां लिखूंगा वन क्लोरोमेथिल। मैंने वन क्लोरोमेथिल लिख दिया। अब यहां से चलिए, एक नंबर पर था वो, एक के बाद दो और तीन पर बेंजीन में तीन स्थिति है, तो तीन स्थिति तक यहां ये बेंजीन का नाम मैंने पूरा कर दिया। बेंजीन में एक नंबर पर तो जुड़ा है क्लोरोमेथिल, और तीन पर कुछ जुड़ा है वो हम यहां ब्रैकेट में लिखेंगे। तो तीन पर जुड़ा है, पहले वो तीन बताना पड़ेगा हमें, तो हमने तीन बता दिया। अब देखिए इधर इसमें एक लंबी सिरिंज चुन लेते हैं, मैं ये वाली सिरिंज चुन लेता हूं इस प्रकार से, ठीक है ना। इसमें ये एक नंबर कार्बन, ये दो नंबर और ये तीन नंबर। तो अब इसका नाम तो सामान्य पद्धति में आएगा, आप जानते हो, तो आप क्या बोलोगे? टू टू डाइमेथिल। टू पर इधर भी मेथिल है, टू पर इधर भी मेथिल है, आप बोलोगे टू टू डाइमेथिल, टू टू डाइमेथिल, टू टू डाइमेथिल के बाद में क्या है? एक दो तीन कार्बन है, तो प्रोपेन मत बोलना, प्रोपिल, ठीक है ना, प्रोपिल बोलोगे आप, टू टू डाइमेथिल प्रोपिल, ब्रैकेट बंद कर देंगे। और अब ये बेंजीन है तो आगे लिख देंगे बेंजीन, क्योंकि सारा कुछ बेंजीन के ऊपर चल रहा है, तो हम आगे लगा देंगे बेंजीन। तो नाम क्या बन गया? वन क्लोरोमेथिल थ्री, फिर ब्रैकेट में टू टू डाइमेथिल प्रोपिल बेंजीन। और अब हमें अगर कोई ये पूछे कि बताइए ये किस श्रेणी में आएगा, तो देखिए बेंजीन वाले में एक कार्बन बाहर है, बेंजीन वाले में एक कार्बन बाहर है, बाहर वाले कार्बन पर हेलोजन जुड़ा है, तो बेंजीन वाले में बाहर वाले कार्बन पर हेलोजन। तो मैं आपसे कोई यूं बोलूं, एक मिनट यहां देखना, यहां देखो, यहां कार्बन और यहां कार्बन और इस पर हेलोजन, तो ये वाली जो पोजीशन है वो पोजीशन क्या कहलाएगी? ये पोजीशन कहलाएगी विनाइल। क्या बोलोगे आप इसे? बेंजीलिक, सॉरी बेंजीलिक, ये वाली पोजीशन बेंजीलिक कहलाएगी, ठीक है ना। जब बेंजीन वाले के बाहर वाले कार्बन पर हेलोजन जुड़ा हो बेंजीलिक पोजीशन कहलाती है, तो ये बेंजीलिक हैलाइड है, बेंजीलिक हैलाइड, तो ये बेंजीलिक हैलाइड है, ठीक है ना। और वो भी कौन सा? एक डिग्री वाला, एक डिग्री वाला बेंजीलिक हैलाइड है। नेक्स्ट, अब हम अगला नामकरण पूरा कर लेते हैं। यहां ऑर्थो पोजिशन पर बी आर दिया है, ब्रोमो दिया है, तो मैं यही लिख देता हूं, ऑर्थो पोजीशन पर ये जो ब्रोमो है वो पूरा कर देता हूं। तो यहां हम यूं करेंगे, पहले एक बेंजीन बनाएंगे, और बेंजीन बना करके और उसकी ऑर्थो, तो आप जानते हो कुछ अगर यहां जोड़ूं तो पहले वाली पोजीशन इधर और इधर ऑर्थो होती है, तो यहां इस ऑर्थो पर बी आर लिख दूंगा ब्रोमो। अब यहां कार्बन सीरीज लिख लेता हूं, क्या है? सी एच, तो यहां लगा दूंगा सी एच, उसके बाद मैं सी एस थ्री, फिर सी टू, सी एस टू और सी एस थ्री, तो इधर कर लेता हूं, इधर सी एस थ्री, इधर सी एच टू और सी एच थ्री, ये बन गया। तो पहले इसमें हम बेंजीन वाले पर है उसका नामकरण करेंगे, तो बेंजीन वाले पर पहले ये एक नंबर पर ये लगा हुआ है बी आर, और यहां बेंजीन की पोजिशन दो नंबर है, दो नंबर पर ये कार्बन सीरीज जुड़ी है। कार्बन सीरीज पूरी की पूरी ऐसे बोलूंगा, अंकन करूंगा तो एक दो और तीन और चार, ये कार्बन का अंकन हो गया, तो ये ब्यूटिल बन गई, समझ गए, ब्यूटेन नहीं ब्यूटिल बन गई। तो आप क्या बोलोगे? वन ब्रोमो, क्या बोलोगे? वन ब्रोमो, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में टू, यहां टू लगा दोगे, अपने बेंजीन का तो नामकरण कर दिया, बेंजीन के वन के ऊपर ब्रोमो है, और टू पर क्या जुड़ा है? टू पर कुछ जुड़ा है, वो आगे टू पर ब्रैकेट में बताएंगे आगे क्या जुड़ा है टू पर। टू पर यहां देखिए ब्यूटिल, क्या जुड़ा है? ब्यूटिल, आप लिखोगे ब्यूटिल, ठीक है ना, ये ब्यूटिल है, क्योंकि एक दो तीन चार कार्बन ब्यूटेन बोलते हो, लेकिन मैंने कहा ना यहां बेंजीन का नाम आयु पीएससी पत्ति में आने के बाद में ब्रैकेट में कार्बन सीरीज का नाम सामान्य पद्धति में आता है एल्किल के रूप में, तो एल्किल तो ब्यूटिल होगा, ब्यूटिल ब्रैकेट बंद कर देंगे, और ये किस पर चल रहा है? ये बेंजीन पर चल रहा है, आगे लगा देंगे बेंजीन, क्या लगा देंगे? बेंजीन। एक तो इसका नाम ये हो गया, इसका एक आईयूपीएसी नाम और हो सकता है, वो कौन सा? वो यूं हो सकता है, अगर मैं इस सारे को इसको बोलूं, इस बेंजीन और बीआर को बोलूं मैं, याद रखना ब्रोमोफेनिल,
इसे मैं आईयूपीएसी पद्धति में ब्रोमो फेनिल भी कह सकता हूं, क्योंकि आईयूपीएसी बेंजीन को फेनिल बोलती है। तो आप इतने को बी आर और इस बेंजीन को क्या बोलोगे? ब्रोमो फेनिल, ब्रोमो फेनिल। तो मैं लिख देता हूं यहां पर ब्रोमो फेनिल, ब्रोमो फेनिल। लेकिन एक बात बताना मेरे को, कार्बन श्रृंखला में ये ब्रोमो फेनिल कहां जुड़ा है? ये दो नंबर कार्बन पर जुड़ा है। आपने कार्बन की सिरिंज चुन ली, सोच कीजिए, उस दो नंबर कार्बन पर ब्रोमो फेनिल जुड़ा हुआ है, तो आप यहां लगाओगे टू ब्रोमो फेनिल, यानी इस दो नंबर वाले कार्बन पर जुड़ा है ब्रोमो फेनिल, टू ब्रोमो फेनिल। अब आएगा ब्यूटेन, अब क्या आ जाएगा? ब्यूटेन। आप कहोगे इसका नाम आपने यहां एल्केन के रूप में क्यों लिया है? क्योंकि हमने इसमें सिरिंज चुनी है। दूसरा तरीका बता रहा हूं, पहले इसमें सिरिंज चुन लेते हैं एक दो तीन चार की, और कितने नंबर कार्बन पर ये जुड़ा है वो बोल देते हैं। तो ये तो ब्रोमो फेनिल है, दो नंबर कार्बन पर जुड़ी है, टू ब्रोमो फेनिल, और ये कौन है? ब्यूटेन। ठीक है ना, ब्यूटेन। यहां ब्रैकेट नहीं आएगा, ब्रैकेट लगा दूंगा तो फिर वो नाम बन जाएगा समझने वाला, तो ब्यूटेन। तो इतना ही होगा, ये टू ब्रोमो फेनिल ब्यूटेन, इतना नाम आपको याद रखना है। अब अगर हमसे पूछे कि ये किस प्रकार का आपके हैलोजन है, एलाइड है, तो ध्यान रखना इसमें ये आप बोलोगे विनाइल हैलाइड। बताइए विनाइल हैलाइड क्यों बोलोगे आप इसको? विनाइल हैलाइड आप इसलिए बोलोगे कि यहां कार्बन और यहां कार्बन, तो बेंजीन बल्ले में कार्बन और कार्बन, ठीक है ना, और उस पर हैलोजन। तो बेंजीन बल्ले में जो कार्बन है उसी कार्बन पर हैलोजन जुड़ा हुआ है, बेंजीन वाले में जो कार्बन है उसी कार्बन पर क्या जुड़ा है? हैलोजन। तो ये विनाइल पोजीशन हो गई। कौन सी हो गई? विनाइल या वाइनिल हैलाइड, विनाइल हैलाइड या वाइनिल हैलाइड।